मीडिया ग्रुप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं संगर ऑनलाइन। वेलकम रेडियो संगर के साथ मैं हूं जाड़ू बलूच। पेश है टुडे इन बलूचिस्तान। हमारी आज की 2 मार्च 2020 बरोज़ पीर की न्यूज बुलेटिन में सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। जाऊ और मंद में जारी फौजी ऑपरेशंस में मुतअद्दिद अफराध लापता और घर जला दिए गए। चागी में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 2 लेवी जेल कर जख्मी हो गए। बलूच मिसिंग पर्संस का एहतजाजी कैंप कराची से क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। लापता राशिद हुसैन की अमशेरा फरीदा बलूच ने कहा कि अपने भाई की बाहिफाजत बाजियाबी तक जद्दोजहद जारी रखूंगी। पॉलिटिकल मैनेजमेंट के नाम से संगर पब्लिकेशन का 22वां किताबी सिलसिला मार्च में शाया करने का ऐलान कर दिया गया है। ये थे आज के हेडलाइंस। अब पेश है खबरों की तफसीलात। हमारे साथ रहिए। जाऊ और मंद में जारी फौजी ऑपरेशंस में मुतअद्दिद अफराद लापता और कई घर जला दिए गए। जाऊ के पहाड़ी सिलसिले सोरगर में 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले ऑपरेशंस में अब तक की इतलात के मुताबिक कुछ फौजी दस्तों की वापसी का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक पहाड़ी सिलसिले में फोर्सेस के मौजूदगी की इतलात भी हैं। इस ऑपरेशन में सोरगर के अक्सर लोगों को हिरासत में लेकर फौजी कैंपों में मुंतकिल किया गया, जिनकी तादाद दर्जनों में है। ताहम तमाम अफराद की शनाख्त मुमकिन न हो पाई। ज़राए बताते हैं कि फोर्सेस ने शहीद शाहदोस्त के बेटों समेत मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार करने के अलावा उनकी घरों को नजर आतिश कर दिया है और माल मवेशी लूट लिए हैं। फौजी ऑपरेशन में गिरफ्तारी के बाद फौजी कैंपों में मुंतकिल किए जाने वालों में सलीम वल्द शाहदोस्त, अली वल्द मोहम्मद अली, दादिल वल्द कादर, अहमद वल्द शेर खान, जुम्मा वल्द मलिक, खुदाबख्श वल्द जबर, मोहम्मद बख्श वल्द जबर, नबी वारिस वल्द टक्करी शेर मोहम्मद के नाम हमें मौसूल हुए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि फौज ने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि फोर्सेस ने शहीद शाहदोस्त के बेटों समेत मुतअद्दिद अफराद के घरों को भी नजर आतिश कर दिया है और मुतअद्दिद अफराद के माल मवेशी भी लूटे गए हैं। जबकि आज सुबह जिला केच में मंद के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों तालीदार, बांसर और कतरेंज में फोर्सेस के दस्तों ने पैदल गश्त करके ऑपरेशन शुरू किया है। मंद में ऑपरेशंस और गश्त में मसरूफ फौजी दस्तों पर नामालूम अफराद की जानिब से छोटे और बड़े हथियारों से हमला करने की इतलात हैं। मकामी जराए के मुताबिक इस हमले में मुतअद्दिद फौजी एहलकार आला को जख्मी हुए हैं। हमले के फौरन बाद जाए वकुआ पर 3 गनशिप हेलीकॉप्टर पहुंच गए। इतलात के मुताबिक ताहम हमलावर वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं। चागी में मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 2 लेवी जेलकार जख्मी हो गए। चागी में नामालूम मुसल्ला अफराद ने लेवीज फोर्स की गश्ती टीम पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 2 लेवीज एहलकार शदीद जख्मी हो गए। आमदा इतलात के मुताबिक लेवीज एहलकार मामूल के गश्त पर थे कि मुसल्ला अफराद ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग से जख्मी दोनों एहलकारों की शनाख्त सबीर शाह और जहूर अहमद के नामों से हो गई है, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मजीद इलाज के लिए क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। बलूच मिसिंग पर्सन का एहतजाजी कैंप कराची से क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। क्वेटा में वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन की जानिब से लापता अफराद के लिए एहतजाज को 3909 दिन मुकम्मल हो गए, जिसमें मुख्तलिफ मकतबाए फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद समेत गुज़िश्ता दिनों क्वेटा से लापता किए जाने वाले हिजबुल्ला कम्बरानी और मोहम्मद अस्सान कम्बरानी के लवाइकीन ने शिरकत करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। वॉइस पर बलूच मिसिंग पर्सन के एहतजाजी कैंप को गुज़िश्ता रोज कराची से क्वेटा मुंतकिल किया गया। VBMPA के चेयरमैन मामा कदीर के मुताबिक सर्दियों में वॉइस पर बलूच मिसिंग पर्सन के एहतजाजी कैंप को कराची मुंतकिल करके लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी रखा गया। ताहम दोबारा कैंप को क्वेटा मुंतकिल करके लापता अफराद की बाजियाबी तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। मामा कदीर बलूच का इस मौके पर वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि यह एक तारीखी हकीकत है कि इंसानी खून फानी की तरह बहने लगता है, तो मजलूम लोग तंग आकर अपना हक लेने के लिए जदोजहद का आगाज करते हैं।
اور اکوک غضب کرنے والے ظالموں، ان کے آواریوں اور تنخواہ داروں سے ٹکراتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات نصف صدی سے بلوچستان کے اندر وقفے وقفے سے رونما ہوتے رہے ہیں، جہاں مظلوم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہے۔ لاپتہ راشد حسین کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا کہ اپنے بھائی کی با حفاظت بازیابی تک جدوجہد جاری رکھوں گی۔ انسانی حقوق کے کارکن راشد حسین بلوچ کی ہمشیرہ فریدہ بلوچ نے کہا کہ بھائی کی متحدہ عرب امارات سے جبری گمشدگی کے بعد پاکستان حوالگی اور کسی بھی عدالت میں پیش نہ کرنا ریاست پاکستان کے اپنے عدالتی نظام پر عدم اعتماد ہے۔ انہوں نے تمام انسان دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھائی کی با حفاظت بازیابی کے لیے کردار ادا کریں۔ جبکہ ریلیز راشد حسین کمیٹی کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا کہ راشد حسین کی با حفاظت بازیابی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ فریدہ بلوچ نے کہا کہ ہمارے پاس وہ تمام ثبوت موجود ہیں کہ راشد کو متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے کہنے پر جبری طور پر لاپتہ کر کے 6 ماہ بعد غیر قانونی طور پر پاکستان کے حوالے کیا، اور اب پاکستان نے اسے دیگر ہزاروں بلوچ فرزندوں کی طرح نامعلوم ٹارچر سیلوں میں بند رکھا ہے۔ پولیٹیکل مینجمنٹ کے نام سے سنگر پبلیکیشنز کا 22واں کتابی سلسلہ مارچ میں شائع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سنگر پبلیکیشنز کے کتابی سلسلے سنگر بک سیریز کا 22واں کتابی سلسلہ مارچ میں شائع کیا جا رہا ہے۔ پولیٹیکل مینجمنٹ معروف بلوچ لکھاری ڈاکٹر جلال بلوچ کی تصنیف ہے۔ واضح رہے کہ بلوچ قومی تحریک آزادی کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر ادارہ سنگر نے 2009 میں کتابی سلسلہ شروع کیا جو ہنوز جاری ہے۔ بلوچ سماج میں سیاست کرنے والے اکثریت کی سوچ و فکر روایتی رہا ہے، اور یہ کتاب ماضی کی اس سوچ کو بدل کر اسے سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے ادارتی طرز جدوجہد کی جانب راغب کرنے میں اہم ثابت ہوگا۔ آج تک مختلف موضوعات پر ادارہ سنگر 21 کتابیں شائع کر چکی ہے۔ ان کے علاوہ کچھ کتابیں آنے والے مہینوں میں شائع کیے جائیں گے۔ ریڈیو سنگر کی آج کی نیوز بلٹن اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن میں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ بلوچستان زندہ باد۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین صورتحال کی جانکاری کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کچھ نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ بلوچستان زندہ باد۔